एंड वॉट डज शी से, एज आई सी हिम स्ट्राइड, स्ट्राइड मतलब वॉक कॉन्फिडेंटली, है ना, स्ट्राइड मतलब लंबे लंबे पैर भरते हुए चलना, डार्कनेस डीप स्प्रेड्स द लाइट, है ना, डार्कनेस डीपेंस गहराती जा रही है, क्या अंधकार, डार्कनेस अंधकार, डीपेंस मतलब गहराना, अंधकार गहरा रहा है, फेड्स द लाइट, लाइट सूर्य की जो किरणें हैं वो धुंधली होती जा रही हैं, नाउ हिज जेस्चर्स टू माइन आईज आर ऑगस्ट, है ना, जेस्चर्स मतलब किसी के हाव भाव, टू माइन आईज उसके हाव भाव जो है वो मेरी आंखों के लिए आर ऑगस्ट, ऑगस्ट मतलब बहुत ही रेस्पेक्टफुल एंड इम्प्रेसिव, रेस्पेक्टफुल कि किसी का सम्मान करना और किसी से इम्प्रेस होना, जो हमारी पॉइंट है, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रही है ना, उसको कह रही है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी इन आंखों से उसके लिए बहुत ही सम्मान फील कर रही हूँ कि कैसा आदमी है, अभी भी शाम हो गई है अभी भी वो काम ही कर रहा है, एंड स्ट्रेंज हिज हाइट, उसकी हाइट बहुत अलग तरह की लग रही है क्योंकि छाया हो चुकी है, तो उसकी जो छवि है वो बहुत ही अलग दिख रही है, आप सभी ने देखा होगा कि सुबह के समय हमारी आकृति कुछ अलग होती है, शाम के समय अलग होती है, तो अभी जब उसका जो क्या बोलते हैं शाम हो चुकी है तो उसकी हाइट जो है वो बहुत ही अजीब लग रही है, सीम्स टू टॉच द स्टारी स्काई, है ना, और ऐसा लग रहा है वो अपनी हाइट से जो रात के सितारे हैं, स्टारी स्काई मतलब ऐसा आकाश जो सितारों से भरा हुआ है उसको भी वो रोशनी प्रदान कर रहा है, आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लाइन उसने लिखी है कि जो इंसान बहुत हार्डवर्क करते हैं वो बहुत ही रेस्पेक्टफुल होते हैं, ठीक है, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस।